दोस्तों, जब जीवन में दुख इतने बढ़ जाते हैं कि हमें कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो हम भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि भगवान है? और हम अभी तक अपने पूरे जीवन काल में सुनते आ रहे हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन और आस्था से भगवान की पूजा आराधना करता है, ईश्वर उनके निश्चित रूप से दुखों का नाश करते हैं। जी हाँ, राजस्थान की सूर्य नगरी कहे जाने वाले जोधपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर सजाड़ा गांव की सीमा पर एक ऐसा पावन धाम स्थित है, जहाँ हर दिन, हर पल, हर क्षण बहती है श्वास, भक्ति और आस्था की जलधारा। कई लोग अपनी आस्था के साथ इस धाम तक पदयात्रा कर पहुंचते हैं, तो कई श्रद्धालु अपने वाहनों से दूर दूर से आकर अपनी मन्नतों की गुहार लगाते हैं। आस्था का यह पवित्र धाम है श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती सजाड़ा धाम। राजस्थान के जोधपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर सजाड़ा गांव की सीमा पर बसा श्री श्री 1008 त्रिलोक भारती धाम वह धाम है जहां वन में विचरण करने वाले हिंसक पशु भी अपनी हिंसा को छोड़कर इस धाम में आकर आध्यात्म से परिपूर्ण हो जाते हैं। सजाड़ा धाम एक चमत्कारिक स्थान है जहां सच्चे मन से आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं, और इस धाम की इसी विशेषता के कारण लोग दूर दराज के क्षेत्रों से यहां आते हैं और बाबा के दरबार में भक्तों का मेला सा लगा रहता है। बाबा त्रिलोक भारती भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने इस स्थान पर अब से करीब 400 साल पहले समाधि ली थी। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व ही उनके समाधि स्थल पर एक चमत्कारिक घटना हुई, और तब से इस स्थान पर भक्तजनों का मेला लगा रहता है। इस स्थान पर तभी से एक मंदिर की स्थापना की गई थी और बाबा त्रिलोक भारती की कृपा से लगातार इस स्थान पर चमत्कार होते दिखाई दे रहे हैं। इस धाम में आते ही आपको भूत प्रेत और ऊपरी बाधा से पीड़ित लोग जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। अधिकतर ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, मानव जीवन के जटिल तथ्य और असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर, लकवा, बांझपन, मिर्गी जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। ऊपरी बाधा और भयंकर बीमारियों से पीड़ित लोगों के ठीक होने के कारण यह स्थान अपने चमत्कारों के कारण दिन प्रतिदिन भारतवर्ष में प्रसिद्धि पा रहा है। मात्र 2 या 5 बार इस मंदिर में आने से ही पीड़ित के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। पूर्णिमा के दिन यहाँ सबसे अधिक भीड़ रहती है। अधिकांश लोग इस स्थान पर इसी दौरान आना पसंद करते हैं। जैसे ही आप सजाड़ा धाम पहुंच जाते हैं, तो यहां आपको रहने खाने की उत्तम व्यवस्था प्रदान की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित धूना में एक सूखे नारियल को 7 बार अपने सिर के ऊपर फिराने के बाद धूने में डाल देने व इस मंदिर की अधिक से अधिक परिक्रमा करने और मंदिर प्रांगण में ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर मात्र से ही पीड़ित अपने सभी दुखों से मुक्ति पा लेता है। बाबा त्रिलोक भारती के इस पवित्र सजाड़ा धाम के बारे में बताई गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आप यहाँ आना चाहते हैं तो
तो आपको अवश्य ही ऐसे असंख्य उदाहरण यहाँ देखने को मिल जाएंगे। हम आपको इस चैनल के माध्यम से इस तरह की जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को और उसकी आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है। आप खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह आकर देख पाएंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। जय बाबा त्रिलोक भारती धाम की। जय हो।